हाय दोस्तों, अपने पास कैनन का प्रिंटर है। इसका मॉडल नंबर है G2010। इसमें प्रॉब्लम क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्रिंटर चालू किया मैंने, कैरेज वगैरह पूरा इनिशियलाइज होता है, सब इनिशियलाइज वगैरह सब हो रहा है। प्रिंटर रेडी पे भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे प्रिंटर रेडी पे भी आ चुका है, शुरू ना पे लास्ट टेबल भी सिर्फ प्रिंट देते हैं। अभी ये बटन दबाया मैंने तो इसका ये आ गया मेंटेनेंस का, और ये अब ये टेस्ट पे लेगा। तो क्लीनिंग मोड पे चला गया, देखो एरर आना चालू हो गए। कैश हो रहा है P08 का एरर आ रहा है, देख सकते हो P08 का एरर आ रहा है। एरर बहुत मैं ट्राई किया, अपन खींच के देखा, सॉल्यूशन जाम रहेगा वो भी देखा, वो भी नहीं हुआ। तो इसमें अपन अब एक बार इंक डाल के देखते हैं। जैसे कि ब्लैक में इंक है हमारे, तो कलर में इंक नहीं है। एक बार कलर में इंक डालते हैं, एक बार चेक कर ले कलर में इंक डालते हैं। अभी बॉटल तो नहीं लाया मैं, वही चेक करना है मुझे, तो दूसरे टैंक से निकाल के डाल रहा हूँ फिलहाल। तो अभी इंक डालने के बाद आपको वापस ज्वाइन होता है, वीडियो करता हूँ मैं। ले सकते थोड़ा थोड़ा इसमें दोस्तों, हाफ टैंक इंक किया है उसमें, भर दिया मैंने अभी जस्ट। और इसमें पाइप में देखो कुछ भी इंक नहीं है फिलहाल, थोड़ा सा भी इंक नहीं है। तो इसको पहले क्लीनिंग मोड पे डालना पड़ेगा शायद से। इसको पहले करते हैं बंद, और ये जो एरर आ रहा है P08 तो करते हैं स्टॉप, बंद करते। तो अभी इसको बंद रख के, अच्छा ये ऐसा सर्विस मोड में नहीं चला जाता है, ये चालू में बंद करते हैं ना, चालू प्रिंटर रहेगा सब। तो अभी बंद कर दो, तो ये दबा के रखो, होल्ड करके रखो और इसको बंद कर दो। सर्विस मोड में डालना है तो या रिसेट करते समय या कुछ भी। ये अभी होल्ड करके रखा मैंने ये, और इसको प्रेस किया, बंद किया प्रिंटर। तो अभी देखो इसको दबाया, 1, 2, 3, 4, 5 सर्विस मोड पे चला गया। स्टेबल होगी लाइट, देख सकते हो सर्विस मोड पे चला गया। पैनल में लाइट नहीं आएगी तो सर्विस मोड पे चला गया। तो इसमें एक यूवी करते हैं इंचार्ज, तो 3 करके ये दबाते हैं, देखते हैं खींचता है कि नहीं। पाइप में कुछ भी नहीं है तो इसको पहले फ्लश करते हैं। इसको ये सेटिंग का बटन पहले दबाते हैं, यहाँ पे प्लस का बटन, इसको 10 नंबर लाते हैं, 9, 10 से, और यहाँ में से दोनों में से कोई भी एक बटन प्रेस कर दो। हो गया प्रेस, लीक हो रहा है, विंग खींचने चालू हो जाएगा। P07 आ चुका है, यानी रिसेट का आ गया ये। इसको पहले रिसेट करते हैं, 4, 5 हो गया P07 के लिए, रिसीव करने के लिए। एक 2, 3, 4, 5 पावर ऑन ऑफ करो। अभी जैसे देख सकते हो क्लीनिंग पे चला गया। एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैनुअल इंक भरा और यहाँ पे इंजेक्शन से खींचा, यहाँ देखो पाइप में इंक मैनुअली खींचा, यहाँ से लॉक करके यहाँ से खींचा,
और थोड़ा सा फ्लशिंग भी जाता है जब हेड क्लीन देते, तभी वो लिया इंक और अभी वो क्लीनिंग पे चला गया है, तभी वो जब तक ब्लैक कलर है पूरा एम्प्टी था, कलर हेड में इंक पूरा जाने के बाद थोड़ा सा भी जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो मैन्युअली किया मैंने तो लिया, वो ऑटोमेटिकली भी क्लीनिंग पे नहीं जा रहा था, सो डायरेक्टली P07 का ही P08 का एरर आ रहा था। अभी सपोज वो गया है मैन्युअली करके ये इंजेक्शन सिरिंज से मैंने किया, तो अभी आगे देखते हैं क्या हो रहा है, प्रिंट आता है नहीं आता है। प्रिंट अभी रेडी पे तो आ गया है, मतलब क्लीनिंग पे चला गया है, प्रिंट लेगा। इसमें आप ना कलर हेड चेंज करोगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, फिर भी हेड चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि ये हेड एम्प्टी हो जाते पूरे इसके लिए, इसमें इंक डालोगे आप तो ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा, इसके वजह से एरर आता है। प्रिंट भी ले चुका अपना, इसके लिए वो P08 का एरर आता है, ये पूरा एम्प्टी था, आपने थोड़ा सा इंक डाला है मैन्युअली, मैंने देख सकते हो अभी इसमें येलो आ गया है पहले, क्योंकि येलो का जल्दी खींचा था, तो अभी यहाँ से हम फ्लश भी कर सकते हैं थोड़ा सा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी यह किया, थोड़ा सा फ्लश करेंगे तो इंक चार हो जाएगा, देख सकते अभी वो फ्लश भी होने लगा है, पहले तो फ्लश भी नहीं हो रहा था। टीम फ्लशिंग ये मैन्युअली सिरिंज से खींचोगे तो ही आगे आ रहा है। अपना P08 का एरर सॉल्व हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो प्रिंट भी आ चुका है, अभी वो बाकी का वो प्रिंट भी आ जाएगा क्योंकि वो हेड क्लीनिंग किया है मैंने अभी, तो हो जाएगा सॉल्व, वैसे भी इसमें कोई इशू नहीं आएगा। आई नो, थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।